दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों स्वागत है आपका और आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं रियलमी 3231 को अनलॉक करके अनलॉक टूल से। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर कोई ओप्पो या रियलमी का कोई भी अगर आपके पास मोबाइल आता है तो अगर आपको मॉडल नंबर पता है तो वो मॉडल नंबर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और उससे आपको ये होगा कि आपको जो है उसका IC पता चल जाएगा कि उसमें IC कौन सा लगा हुआ है। ठीक है, तो जैसे मैंने ये मॉडल नंबर डाला तो यहाँ पे पता चल गया हमें कि ये जो IC है, ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रम IC है, ठीक है, यानी SPD IC है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे स्पेक्ट्रम पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, स्पेक्ट्रम का अलग टूल है तो यहीं से अनलॉक होगा। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले जो है कंपनी सेलेक्ट करना होगा, जैसे रियलमी ओप्पो दोनों एक ही है। ठीक है, तो आपको रियलमी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो रियलमी के बाद आपको यहाँ पे मॉडल नंबर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आता है नीचे में, फॉर्मेट डाटा और इरेज FRP का। ठीक है, तो अगर पिन पैटर्न है तो आप फॉर्मेट डाटा पे क्लिक मार दीजिए, अगर FRP है तो आप FRP पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और मोबाइल को जो इस मोबाइल को जो बूट कराना होता है SPD को, तो कैसे बूट कराना होता है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे टूल पे क्लिक करिए। ठीक है, यहाँ पे जब वेटिंग फॉर डिवाइस लिखेगा ना टूल में, तभी मोबाइल को बूट कराना है, उससे पहले बूट नहीं कराना है। ठीक है, और ये जो SPD मोबाइल को जो बूट कराना है आपको, तो मोबाइल को ऑफ करना है और सिर्फ ओनली वॉल्यूम माइनस जो है आपको प्रेस करना है। ठीक है, सिर्फ माइनस, और उसके बाद केबल में लगाना है और जैसे आपका मोबाइल बूट करेगा उसके बाद वॉल्यूम को छोड़ देना है, मोबाइल आपका आसानी से बूट कर जाएगा। ठीक है, तो पिन पैटर्न था इस मोबाइल में तो जो मैंने फॉर्मेट डाटा पे क्लिक करके निकाल दिया। अगर आपको FRP भी निकालना होगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में जो है FRP का भी ऑप्शन है। चलिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना इरेज FRP और फॉर्मेट डाटा। तो मैंने पिन पैटर्न को इरेज फॉर्मेट डाटा पे क्लिक किया था, और अगर आपको FRP निकालना है तो आप इरेज FRP पे क्लिक मारेंगे तो FRP भी आपका निकल जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।